बाहसियत एक पाकिस्तानी, तमाम पाकिस्तानियों से गुजारिश है कि खुदारा ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये डेरा गाजी खान के यूसी 15 गदई के कब्रस्तान का हाल है। आप यहाँ देख सकते हैं कि एक पाकिस्तानी और मुसलमानों का कब्रस्तान है जिसकी ये हालत है कि यहाँ कब्रें मस्मार हो गई हैं। सेवरेज का गंदा पानी कब्रों को खत्म कर चुका है, टोटली मस्मार हो गई हैं। लोगों को पता तक नहीं है कि हाँ जी उनके रिश्तेदार जो इधर दफन थे कि फिलहाल रिश्तेदार की कौन सी कब्र है और फिलहाल रिश्तेदार की कौन सी कब्र है। मुझे सिर्फ इतना बताएं कि ये जो कब्रें मस्मार हो चुकी हैं ये मुसलमानों की हैं, ठीक है? ये शहबाज शरीफ के बाप की होती, मिस्टर शरीफ की, या नवाज शरीफ के बाप की होती, या जितने भी साहिब इक्तदार लोग हैं उनके बापों की होती, तो मैं उनसे पूछता कि यहाँ गंदा पानी सेवरेज का आता या ना आता? अगर एक भी बूंद गंदे पानी की आती तो उनकी पूरी इंतजामिया वफाकी हुकूमत हिल जाती। ऑरेंज ट्रेन बना रहे हैं, ऑरेंज ट्रेन आप बना रहे हैं, मोटरवे बना रहे हैं, लोगों के लिए तरह तरह की जो जिंदा लोग हैं जिनको खाने की जरूरत है उनके लिए ऑरेंज ट्रेन बना रहे हैं, उनको ये तो बना रहे हैं कि ये कब्रस्तान मुसलमानों का नहीं है, ये जनूबी पंजाब, या मैं ये समझूं कि ये जनूबी पंजाब का हिस्सा है इसीलिए क्योंकि ये अपर पंजाब का हिस्सा नहीं है। जनूबी पंजाब के या सरायकी लोग पाकिस्तान में नहीं रहते क्या? 7 करोड़ सरायकी लोग आपके पाकिस्तान में नहीं रहते? हमारा पाकिस्तान है खुदारा खुदारा, हम पाकिस्तानी हैं, हम पहले मुसलमान हैं उसके बाद पाकिस्तानी। हमने तो कभी ये भी नहीं कहा कि हम सरायकी हैं। खुदारा जनूबी पंजाब की तरफ निगाह करें, खुदारा इन कब्रों का हाल देखें। ये भी किसी के प्यारे हैं, ये भी किसी की माएं बहनें बाप बेटे बच्चे हैं। ये देख सकते हैं आप, ये देख रहे हैं टोटली जो कब्रस्तान है कब्रें बैठ चुकी हैं। वजीर अला पंजाब यहाँ के साहिब इक्तदार जो लोग हैं, मिस्टर अलीम शाह, हाफिज अब्दुल करीम साहब जो हाफिज हैं, मुझे तो इस बात पे अभी अफसोस करूं या मैं खुश हूं कि वो हाफिज उल कुरान भी हैं, उनको शर्म तक नहीं आती कि हाँ जी ये हाल है कब्रस्तानों का। लोगों की डेथें हो रही हैं और वो अपने घरों में उनको दफना रहे हैं, लोग घरों से बाहर तक नहीं जा सकते। खुदा का वास्ता कुछ अगर आप में मुसलमानी कोई भी एहसास है, आप में हिस है, तो खुदारा इधर देखें। मैं फिर मानूंगा कि हाँ जी मेरा पंजाब का वजीर आला पंजाब जो सीएम पंजाब है उसने इस वीडियो का एक्शन लिया। जितने भी लोग हैं उनको डिसमिस करें, उनको पता नहीं था, पता था उनको कितने लोग, आप बताएं आपने कितनी दफा लोग इनको बताया? आज जो ये शेर खान बुलानी है, ये जो हाफिज अब्दुल करीम है, कितनी दफा इन लोगों को बताया कि हाँ जी हमारे को बताया, लेकिन वो इधर आते नहीं है, आते हैं तो बात करते हैं। ये गंदा पानी बारह का नहीं है, ये सेवरेज का पानी। हाँ, कितने साल का है? तकरीबन ये 3 साल हो चुके हैं। 3 साल आपके यहाँ? मेरा खुद वाले दफन है, मुझे पता नहीं कहाँ है उसकी कब्र। अल्लाह अकबर, इतना हमें पता नहीं किसकी कहाँ। आप लोगों को शर्म तक आनी चाहिए। इनके वालिद की कब्र, वालिद की कब्र, इनको पता नहीं है कि वालिद की कब्र कहाँ है। यहाँ ढूंढे अपने वालिद को, यहाँ ढूंढे, इस कब्र में ढूंढे, किस कब्र में ढूंढे? फातिहा किसको दे बताएं मुझे? लानत ऐसी हुकूमत पे, ऐसी हुकूमत पे, हुकूमत से तो फिरौन की हुकूमत ठीक थी, उसकी हुकूमत में ये तो नहीं होता था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं कब्रस्तान का हाल। मैं फिर मानूंगा, मैं ये वीडियो में शेयर करूंगा। दोस्तों जितने भी आप मुसलमान बजाते हैं, बस अब्बास या मुसलमान, आप लोग शेयर करें ये वीडियो, सीएम पंजाब तक पहुंच जाए। उसके बाद मैं देखता हूं कि ये सीएम पंजाब तक पहुंची है और उन्होंने अगर एक्शन ले लिया तो मैं मानूंगा कि हाँ जी इनमें कुछ मुसलमानी तरीका बच चुका है। खुदारा खुदारा कुछ हमारे हाल पे रहम करें, कुछ हाल हमारे हाल पे रहम करें खुदारा।